हेलो स्टूडेंट्स, आपके रिक्वायरमेंट पे आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एट एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन देखिए, पहला क्या है, इसमें हमारा 6 टर्म होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक्स, सेक, कॉट। तो 3 टर्म हर चीज़ में आपको याद रखना है और 3 उसको उल्टा करके याद रखना है, ठीक है। जनरली जो है ये 6 ही याद करवाया जाता है स्कूल्स वगैरह में, लेकिन आपको यहाँ 3 याद रखना है, 3 को उल्टा कर देना है। जैसे क्या है कि साइन उल्टा हो जाएगा कॉसेक का, कॉसेक उल्टा हो जाएगा साइन का। कॉसेक जो है सेक के अपोजिट है, सेक कॉस के अपोजिट है, टैन कॉट के अपोजिट है, कॉट टैन के अपोजिट है। जैसे ये जो साइन है, ये इस तरह का जो साइन आता है, जैसे आप देखेंगे ट्रेन में कि अगर मंदार हिल यहाँ से बौंसी से भागलपुर जा रही है तो ये वाला साइन है, और भागलपुर से बौंसी जा रही है तो ये वाला साइन है। मतलब इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो साइन कॉसेक के अपोजिट है, कॉसेक साइन के अपोजिट है। तो ये समझ में आ गया होगा। सेकंड देखते हैं हम लोग, फार्मूला है, साइन का फार्मूला पी बाय एच है, कॉस का बी बाय एच है, टैन का पी बाय बी है। हिंदी मीडियम जो है उसमें लंब बाय कर्ण कहा जाता है, तो खैर अपना अपना है। उसके बाद है ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस ही है, पोटेनियस है, कर्ण है लंब आधार। क्वेश्चंस फार्मूला कुछ है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ से फार्मूला निकल के आता है, जैसे अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को रख लेते हैं एलएचएस में, और आरएचएस में 1 ऑलरेडी पहले से था, और कॉस स्क्वायर थीटा जो प्लस में है वो उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रूफ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का यूज करेंगे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा यूज करेंगे। इसी प्रकार यहाँ से भी निकल के आएगा सेक स्क्वायर थीटा, अगर हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के लिए सेक स्क्वायर थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जेनविनली ये याद रखना है, और यहाँ से हम लोग जनरेट कर लेंगे, ठीक है। ये बढ़िया से याद होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कॉसेक माइनस कॉट है या कॉट माइनस कॉसेक है, इसको आपको बढ़िया से याद होना चाहिए। तो अब आते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 1 पे, एग्जांपल और हम लोग चैप्टर दोनों डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है, गिवन दैट गिवन 10 इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस ऑफ द एंगल ए। तो हमको एक 10 दे दिया है, और हम लोग अभी जस्ट यहां पे देखे हैं कि टोटल जो है ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल 6 है, 6 में से एक हमारे पास 10 ऑलरेडी गिवन है और 5 हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है आप देखिए, और कह दिया कि एंगल ए। तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो एंगल ए बी सी कहता है, इसको भी हम लोग ध्यान में नहीं लेंगे, क्योंकि इसको लेंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा एंगल, अगर हम लेंगे ए बी सी तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, लेकिन जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेनस रहेगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। जब भी लेंगे, जैसे कि वहाँ लोग हम लोग अगर ले लेते हैं, जैसे टेन ए दिया हुआ है, अगर हमारे पास टेन सी दिया रहता 4/3, तो हम लोग सी एंगल लेंगे और सामने वाला पी हो जाएगा, ऑलरेडी ये पी होता ही वैसे, लेकिन ये पी हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है कि ये एंगल पे ध्यान नहीं देना है, हम लोग टेन ए को टेन थीटा बेसिकली लेके चलेंगे, ठीक है। तो टेन थीटा हम लोग समझ रहे हैं, टेन ए लिखना है, लेकिन माइंड में रखना है कि ये टेन थीटा है हमारे पास, और टेन थीटा हमारे पास 4/3 है। तो ट्रायंगल बनाना है, नाम नहीं देना है, टेन हमारे पास 4/3 है, ए बी सी नहीं लिखना है, 4/3 हम लोग जानेंगे कि टेन का फार्मूला क्या होता है। टेन का फार्मूला है पी अपॉन बी, मतलब ये जो ऊपर में है ये पी है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर, ये हमारा बी है। तो 4 कितना है, P कहाँ पे होता है, ये P होता है, तो ये हमारा 4 है, B हमारा 3 है। हम लोग पाइथागोरस से इसका हाइपोटेनस निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया 4 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, ये हमारा H निकल के आएगा ओवर रूट, ये हो गया 16 प्लस 9, ये हो गया हमारे पास 5। तो हाइपोटेनस क्लियर है, जब ये तीनों हमको पता चल जाएगा तो कुछ भी निकाल लेंगे हम लोग। ये अभी 10 पता है, बाकी 5 निकालना है। तो सबसे पहले 10 का जो उल्टा होता है, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो 10 ए के बदले हम लोग लिखेंगे कॉट ए, तो ये 4/3 को पलट देना, तो ये हो गया 3/4। तो सबसे पहले पहला फाइंड हो गया। अब अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी निकालते हैं, 10 कॉट हो गया। अब ये दोनों में से कोई साइन जैसे लेंगे, साइन अगर लेते हैं, साइन लेंगे तो साइन का फार्मूला है पी अपॉन एच। तो हम लोग जानते हैं पी कौन है हमारे पास, 4 है, एच कौन है हमारे पास, 5 है। साइन का जस्ट जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक, तो 4/5 का 5/4 प्लट देना है, 5/4। उसके बाद साइन कॉस, साइन कॉसेक हो गया, कॉस ले लेते हैं, कॉस का फॉर्मूला है हमारे पास बी एच, तो बी है हमारे पास 3, एच है हमारे पास 5। तो कॉस का उल्टा हमारे पास सेक है, तो जस्ट हम लोग सेक फाइंड कर लेंगे, 3/5 का 5/3।
ये हो गया हमारा टोटल पाँच, हो गया एक दो तीन चार पाँच, एक पहले से था छः। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। यहाँ पर बस गिवन है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिगर ले लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। फिगर है हमारे पास ए बी सी और फिगर है हमारे पास पी क्यू आर। तो हम लोग यहाँ देखेंगे साइन बी इक्वल है साइन क्यू। साइन का फॉर्मूला पे आ जाएंगे, साइन का फॉर्मूला है पी अपॉन एच। तो साइन बी लेते हैं तो अगर जो भी थीटा लेंगे, जो भी एंगल लेंगे, उसके सामने वाला पी हो जाता है। तो पी हमारा ये हो गया ए सी, हमको चाहिए पी बाय एच, तो पी हमारा ये हो गया, ये पी है, जनरली एच होता है लेकिन ये एंगल के सामने, इसलिए ये पी है बी, पी अपॉन एच, एच ये हो गया ए बी। अब ये साइन बी है, अब ये साइन क्यू निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से, सेकंड फिगर से साइन क्यू लेंगे तो ये भी सेम चीज हो जाएगा, ये हमारा एच होता है लेकिन पी बाय एच है, तो ये अभी मेरा पी है और ये एच हो गया क्योंकि एंगल के सामने वाला पी बन जाता है, ये हो गया पी क्यू। अब साइन बी साइन क्यू इक्वल है तो यहाँ से ये दोनों पार्ट हमारा इक्वल हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी और पी आर अपॉन पी क्यू। अगर आप 6.4 थ्योरम पढ़े हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर साइड रेशियो में होता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि ए सी अपॉन ए बी, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, अगर ए सी अपॉन पी आर कर सकते हैं, ये पी आर नीचे चले जाएगा, ए सी ये पी आर चले गया यहाँ पे, और यहाँ क्या बचा, ये ए बी ऊपर हो गया और अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू रेशियो, जब साइड जब रेशियो में आ जाएगा तीनों साइड, तब हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। लेकिन अभी दो साइड यहाँ रेशियो में आया है तो थर्ड साइड हमने यहाँ बी सी अगर फाइंड करेंगे तो बी सी, इसको हम लोग कॉन्स्टेंट लेते हैं इक्वेशन, फर्स्ट कॉन्स्टेंट मान लिया इसको, बी सी फाइंड करेंगे तो ए बी ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा पाइथागोरस से, और इसमें क्यू आर फाइंड करेंगे तो ये पी आर माइनस पी क्यू, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ये हो गया हमारा पाइथागोरस से। तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर जो है ये भी हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हमारा कॉन्स्टेंट क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा तो तीनों इक्वल हो जाएगा। सो हम लोग लिख लेते हैं कि ये हो गया हमारा ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, जब तीनों साइड हमारा रेशियो में आ जाएगा तो ट्रायंगल, सो यहाँ लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का। और जब सिमिलर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू का, प्रूव्ड। आई होप इट्स क्लियर। और नेक्स्ट वन, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। साफ साफ कह दिया क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल ए बी सी लेना है, हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, और क्लियर है कि राइट एंगल एट सी, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, 29 है, बी सी हमारा 21 है और ए बी सी थीटा है, ए बी सी ये हमारा थीटा है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, किसी का भी वैल्यू निकालना है, कॉस का, साइन का, टेन का, कॉट का, सेक कॉसेक, तो उसके लिए ये 29 है, ये 21 है, ये पता होना चाहिए। तो हम लोग पाइथागोरस लगा के ए बी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर ए सी निकाल लेंगे। तो ए सी निकालने के लिए ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, इसका भी ट्रिक है, अगर संख्या बड़ा हो, जैसे 29 का स्क्वायर है माइनस 21 का स्क्वायर है, दो कंडीशन है, 29 का स्क्वायर होता है 841, 21 का 441, ये हुआ जिसको याद है स्क्वायर, उसके लिए 400 बराबर 20। और दूसरा तरीका ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, वैसे 29 और 21 कितना हुआ, 50 हो गया, और दोनों का माइनस कितना हुआ, 8 हो गया, तो 50 हटे 400, 400 का वर्गमूल 20। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और या नहीं तो अगर 29 का स्क्वायर याद है, स्क्वायर याद करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा 20 हो गया। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस का वैल्यू, जो कॉस का फॉर्मूला है वो है बी अपॉन एच, तो कॉस के साथ थीटा लगा हुआ है, तो हम लोग इसी यहाँ से देखेंगे, तो कॉस थीटा बी अपॉन एच, तो इसको देखेंगे तो सामने वाला मेरा पी है, ये एच है, ये बी है, बी अपॉन एच, बी है 21, एच है 29,
तो 21/29, और स्क्वायर है तो कॉस का स्क्वायर कर देना, प्लस साइन का फॉर्मूला देखना है पी अपॉन एच, साइन का ये सामने वाला पी है ये एच है, तो 20 और अपॉन 20 कितना सॉल्व कर लेना है, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का 841, 20 का 400, 29 का 841, एलसीएम सेम आ गया 400 441, 841 अपॉन 841 ये कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये ऑल हमेशा 1 होगा, कब, जब थीटा हमारा सेम है, तो यहाँ भी थीटा है यहाँ भी थीटा है, अब यहाँ रहेगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 तो भी आंसर 1 होगा, कॉस स्क्वायर 82 प्लस साइन स्क्वायर 82 तो भी आंसर 1 होगा, कुछ भी रहेगा थीटा अगर सेम हो जाएगा तो आंसर 1 होना ही होना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का वैल्यू है कॉस का है बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच हो गया 20 और बटे 29 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन का फॉर्मूला है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच 20/29 पी अपॉन एच, इसमें था बी अपॉन ये बी 21 था ना 21 ये हो गया 20/29 इसको सॉल्व कर लेना है, माइनस का फॉर्मूला नहीं होता है, प्लस वाला में एक होता है लेकिन माइनस में नहीं होता है, सॉल्व कर लेंगे 441/841 400/841 441 में 400 घट गया 41 और बटे 841, अब 41 कटा मत दीजिएगा ये नहीं कटेगा। आई होप इट्स क्लियर, नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है इन ए राइट एंगल राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, साफ साफ कह दिया है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें राइट एंगल एट बी है, तो फिगर हमारा इस तरह हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ बी हो जाएगा क्योंकि ये राइट एंगल एट बी है। इफ टेन इज इक्वल टू 1 हमारे पास है टेन ए इज इक्वल टू 1, तो ए को देखना है, तो ए को देखेंगे तो ये सामने वाला मेरा पी हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस रहेगा, तो 1 और नीचे कुछ नहीं है तो भी 1, तो टेन का फॉर्मूला है पी अपॉन बी, ये पी है ये बी है तो ये दोनों 1 1 हो गया, ये 1 हो गया ये 1 हो गया, तो हमको हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो ए सी हम लोग निकाल लेते हैं, लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 जोड़ 1 ये हो गया रूट 2, हाइपोटेन्यूस आ गया। वेरीफाई दैट ये तो 2 sin a into cos is equal to 1 ये हमारा एल एच एस है, 1 लाना है आर एच एस में, तो एल एच एस पार्ट है हमारे पास 2 sin a into cos a, 2 sin a साइन के साथ a लगा हुआ है, तो यहाँ देखना है तो सामने साइन का फॉर्मूला है पी वाई एच, सामने वाला p और ये वाला h तो 1/√2, cos a देखना है तो कॉस का है b upon h a, तो कॉस का सामने वाला तो p होता है लेकिन कॉस में b है तब h है, तो ये वाला b है तो b upon h 1/√2, ये आपको एकदम सबसे पहले फिगर में 100% क्लियर कर लेना है, ये p है ये h है ये b है p h b एकदम क्लियर होना चाहिए फिगर, बाद में जब चेंज होगा तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो पहले से याद नहीं रहेगा चेंज होगा तो और ख़त्म हो जाएगा। 1 into 1 1 root 2 root 2 2 2 कैंसिल आउट 1 1 लाना था इज इक्वल टू आर एच एस। हैव इट्स क्लियर, और नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है इन ट्रायंगल ओपीक्यू राइट एंगल एट पी, आप सब कहते हैं कि ट्रायंगल का नाम जो है वो ओपीक्यू रखना है, ओपीक्यू और राइट एंगल पी पे होगा, तो यहाँ पर पी आ जाएगा ओपीक्यू, ट्रायंगल का नाम क्लियर हो गया, ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, और ओक्यू माइनस पी क्यू ये 1 है, तो लिख लेते हैं हम लोग पहले गिवेन में, गिवेन ओ क्यू माइनस पी क्यू ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, क्यू है हाँ क्यू दोनों क्यू है थीटा नहीं समझिएगा, ये क्यू है साइन क्यू और कॉस क्यू दोनों का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन 8.1 का 10 नंबर में मिलेगा, एकदम सेम क्वेश्चन है ये, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग यहाँ देखेंगे कि OQ माइनस PQ कैसे आएगा, तो हाइपोटेनियस में बेस माइनस करना ये कब होता है, इसमें इसको कब माइनस करते हैं, जब ये निकालना पड़ता है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे OP स्क्वायर फाइंड करेंगे, OP फाइंड करेंगे, जब OP फाइंड करेंगे तो लिखेंगे OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, जब ये निकालना होगा तो इतना माइनस इतना हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अब OP का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, गिवन में लिख लेते हैं OP बराबर हमारे पास कितना था
7 सेंटीमीटर था, तो ओपी का वैल्यू है 7, तो 7 का हो गया स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, ओ क्यू प्लस पी क्यू ये बिल्कुल वही रहेगा, ओ क्यू माइनस पी क्यू हमारे पास गिवन है, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आया, तो 1 से मल्टीप्लाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू हो गया 49, ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49, इक्वेशन हो गया सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम लोग यहाँ पे दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से इसको माइनस कर देंगे, ये प्लस प्लस माइनस हो गया, ओ क्यू और ओ क्यू हमारे पास 2 ओ क्यू हो गया, और 49 और एक हो ये हो गया 50, तो 2 से 50 कट जाएगा, 25 बचेगा, ओ क्यू हमारे पास 25 है, और फ्रॉम 1 या 2 कहीं से फाइंड कर सकते हैं, फ्रॉम 1 से है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, तो ओ क्यू का वैल्यू है 25 और माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 25 प्लस 1 इधर आएगा माइनस 1 और माइनस पी क्यू इधर जाएगा प्लस पी क्यू, तो फाइनली हमारे पास जो पी क्यू का वैल्यू है वो आ गया 24 सेंटीमीटर, और ये था 25 सेंटीमीटर, ओ क्यू हो गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर और पी क्यू हो गया 24 सेंटीमीटर। अब मेन टर्म में हमारे पास साइन क्यू निकालना है और कॉस क्यू निकालना है, तो क्यू को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे साइन क्यू और फिर निकालेंगे कॉस क्यू, कैसे निकालेंगे देखें, यहाँ पे साइन का है पी बाय एच, तो इसके सामने वाला ये पी और ये एच, तो 7/25 7/25 मिनट्स। कॉस का है बी अपॉन एच, तो ये सामने वाला तो पी हो रहा है, तो ये बी है ये एच है, तो 24/25। आई होप इट्स क्लियर, नाउ द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 से लेकर 5 खत्म हो गया, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8.1 में मिलते हैं, थैंक यू।